अब देखते हैं वेक्टर्स और स्केलर्स को पढ़ते हैं टोटल मास और बहुत ही फन वे में पढ़ेंगे। एवरीवन टोटल मास, तुम इस पे 3 kg और 4 kg डालते हो तो कितना मास होगा यहाँ पे? ये तो स्केलर है यार। क्या सर ये क्या सवाल करा रहे हो, ये तो सिंपल है ना। बट अगेन समझो अभी निकल के आएगा, कुछ निकल के आएगा। एवरीवन ओके, बाल्टी में पानी भर रहे हो, एक बाल्टी में पानी भर रहे हो, यहाँ से 3 liter per second आ रहा है, यहाँ से 4 liter per second आ रहा है, तो 1 second में कितना आ रहा है? 1 second यहाँ पे 3 liter आया, 1 second यहाँ पे 4 liter आया पर सेकंड, 1 second में कितना आ रहा है? 7 liter per second आ रहा है। 3 liter 4 liter 3 4 3 4 3 4 करते हुए 1 second में कितना आ रहा है? 7 liter per second। ओके दिस इज ऑल्सो स्केलर, आप खाली ऐड कर रहे हो, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता कि पानी ऐसे गिर रहा है ऐसे गिर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम 3 kg ऐसे डाल रहे हो वैसे डाल रहे हो या हिल डुल के कैसे भी डाल रहे हो। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं करंट। बहुत सारे लोगों को लगता है सर करंट में तो डायरेक्शन होता है, सर करंट में तो हमने पढ़ा है सर 10th में, देखो हम बैटरी ऐसे लगाते हैं हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और देखो यार यहां पे हमने सर रेजिस्टेंस लगाई है, ये मजा आ रहा है बहुत, ये करंट ऐसे चल रहा है, ये तो करंट का डायरेक्शन होता है सर, है ना। तो यार ये तो शायद वेक्टर हो सकता है। बेटा अब बताता हूं करंट क्या है, यहां पे पानी फ्लो कर रहा था, करंट में क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है। करंट इज ऑल्सो नथिंग बट कूलम्स पर सेकंड बोलते हो ना, यहां पे तुम लीटर पर सेकंड बोल रहे हो, यहां पे भी तो चार्ज फ्लो करता है। क्यू चार्ज फ्लो करता है, वैसे तो वो उसमें डिटेल में नहीं जाते बट इसमें भी चार्ज फ्लो करता है कूलम पर सेकंड, ठीक है। कितने कूलम्स पर सेकंड, यही तो करंट होता है। एम्पेयर क्या होता है? कूलम पर सेकंड, मतलब कितने कूलम एक सेकंड में फ्लो कर रहे हैं। यहां से ओके 5 coulombs per second फ्लो कर रहे हैं, यहां से भी 5 कर रहे हैं, तो यहां पे 10 आएगा ना, यहां पे 10 आएगा, तो यार यहां पे टोटल करंट कितना हो गया? 5 + 5 एम्पेयर। मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल बताया था, फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब देखो मैं तुमसे बात कर पा रहा हूं इस माइक्रोफोन से, अब इस तार को मैं कुछ भी ऐसे ऐसे करूंगा वॉइस में कुछ एबरेशन नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ता कि तुम तार को ऐसे रखो ऐसे रखो। इसमें अगर मैं बोलूं 90 degree पे आ रहा है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब फोर्सेस में पड़ता है, फोर्सेस में पड़ता है कि अगर 5 newton ऐसे लगा रहे हो तो 10 हो जाएगा, ऐसे लगा रहे हो तो 0 हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। बट देखो दिस इज ऑल्सो लाइक वॉटर, यहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है, यहां पे पानी फ्लो कर रहा था, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं एवरीवन, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट क्या क्वांटिटी होती है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इस चीज को समझो। और वैसे भी इसमें टेंसर रैंक्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उस पर कभी मत जाना, अभी तो बिल्कुल मत जाना, ट्रस्ट मी। अगर एंड इवन इफ यू वर डूइंग इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, आपको उसमें जाना ही नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर कोई बात भी करे मत करो, ठीक है, आपके लिए अगर कोई चीज वेक्टर नहीं है वो आपके लिए एक नंबर है, है ना। इसलिए मैं बार बार स्केलर नहीं बोलता क्योंकि बार बार ना वो डाउट आ जाता है और फालतू में उस लेवल तक नहीं जाना, ठीक है। तो यार देखो सिंपल सी बात है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, समझे मेरी बात। जो भी हमारे लिए वेक्टर नहीं है वो हमारे लिए स्केलर है। आगे बढ़ते हैं, अब चलो लेट्स हैव सम फन। अब आते हैं थोड़े वेक्टर्स, वेक्टर्स में आता है मजा, असली मजा वेक्टर्स में आता है, ट्रस्ट मी, वेक्टर्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स, क्योंकि हम इतने तोड़ेंगे मरोड़ेंगे वेक्टर्स को कि मजा आ जाएगा आपको। नेट फोर्स ऑन द बॉडी, इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है? 5 यहां 5 यहां, खत्म हो जाएंगे 5, बताओ कितना फोर्स लग रहा है। अब तो चलो इस पे मैं 5 newton लगा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, कहीं नहीं जा रहा ना, ये क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एफ नेट कितना है बच्चों, जल्दी बताओ, 5 - 5 है ना, विच इज 0 newton, ठीक है, 0 newton, बहुत सिंपल है ना। आप थोड़ा और खेलते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक फोर्स यहां पे लगा रहे हो, दिस इज अ पुश फोर्स, इट्स अ पुल फोर्स, ओके, बहुत सिंपल, 5 newton यहां 5 newton यहां, नेट फोर्स कितना है, एफ नेट कितना है, एफ नेट इज इक्वल टू 10 newton टुवर्ड्स द राइट, ये लिखना पड़ेगा, टुवर्ड्स द राइट लग रहा है, तो कितना हुआ जल्दी बताओ, ये हो गया 10 newton, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 10 newton। आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ो एवरीवन, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, यहां पे 4 newton लग रहा है, यहां पे 3 newton लग रहा है, टोटल फोर्स कितना हुआ बॉडी पे, इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, 4 - 3 1 newton, ठीक है, 4 - 3 1 newton, किस डायरेक्शन में, ओके किस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों। वैसे इसको ऐसे देख सकते थे कि अगर ये 3 newton है, 4 newton को आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, 3 newton and 1 newton, ठीक है, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, तो एफ नेट कितना हो गया, 1, कैसे भी करो यार कैसे भी करो। वैसे सिंपल क्या था, 4 - 3, बहुत ही बेसिक है। अभी देखो अब आएगा मजा, अब मैं 2 dimensions में फोर्सेस लगा रहा हूं, 2 2 ऐसे पिचका रहा हूं, 1 2 1 2, ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे फोर्सेस, है ना, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा, इट इज समथिंग लाइक प्रेसिंग दिस बॉटल लाइक दिस, आई होप फटे ना, बट आई होप इफ आई एम प्रेसिंग इट लाइक दिस, तो 2 forces लग रहे हैं, ठीक है, एक यहां तो एक यहां, तो ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, प्लीज सी ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, इनका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, 1 4 newton यहां लग रहा है, 1 3 लग रहा है, टोटल कितना हो गया, 1 newton, वेयर, इन द राइट वर्ड डायरेक्शन, इन द राइट वर्ड डायरेक्शन, एवरीवन सी दिस,
तो यार ये कितना हो गया, 4-3 विच इज 1 न्यूटन. ठीक है, 4-3, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट वर्ड्स. आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस. अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा, क्योंकि यहां पे आके बच्चा अटक जाता है. अरे यार ये नहीं बताया था सर ने, सर ने तो अभी तक तो ऐसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे यही कर रहे थे अपन तो. नेट फोर्स ऑन द बॉडी कितना होगा, 10 न्यूटन, 0. कॉमन सेंस से करो, अभी तुम्हें बताया भी नहीं कैसे निकालना है. 5 न्यूटन, 90 डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है, कैसे कैसे निकालोगे, 90 डिग्री पे लग रहा है तो बताओ क्या नेट फोर्स होगा, है ना. कॉमन सेंस से करते हैं पहले इसको. ऑब्वियसली 5 न्यूटन लग रहा है, कुछ तो फोर्स होगा, तुम लगा के देख लो, है ना, कुछ ना कुछ तो नेट फोर्स आएगा और कहीं ना कहीं तो जाएगा. कॉमन सेंस बोलता है यहां पे 5 न्यूटन, यहां पे 5 न्यूटन, तो 45 डिग्री पे जाएगा. कॉमन सेंस की बात है ना, 45 डिग्री पे जाएगा. किसी भी चीज पे तुम ऐसे फोर्स लगाओगे तो 45 डिग्री पे जाएगा ना, समझ रहे हो मेरी बात, अंडरस्टूड. ओके, तो 45 डिग्री पे जाएगा. अब यार बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैक्सिमम फोर्स कैसे लग सकता है. अब अगर एक, अगर तुम्हें 2 5 न्यूटन लगाने हैं, 2 वेक्टर लगाने 5 न्यूटन के, मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, अगर तुमने 5 न्यूटन यहां पे लगाया, 5 न्यूटन यहां पे लगाया, अभी खाली लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहा हूं मैं, खाली लॉजिक यूज कर रहा हूं, तो बताओ एफ मैक्स कितना हो सकता है. एफ मैक्स कितना हो सकता है, 10 न्यूटन, अगर दोनों फोर्सेज ऐसे लग रहे होते, है ना. मिनिमम क्या हो सकता था कि दोनों एक दूसरे को मार देते ऑपोजिट, है ना. एफ मिनिमम क्या हो सकता है, एफ मिनिमम ऐसे हो सकता है, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम फोर्स, एक दूसरे को मार रहे हैं, है ना. ठीक है, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस. तो यार यहां पे मैं बोल सकता हूं एफ मिनिमम इज 0 न्यूटन. ठीक है, मतलब ये वाला केस तो नहीं है, मतलब ये मैक्स नहीं लग रहा होगा, ये नहीं लग रहा होगा, बट 0 से 5 के बीच में कुछ लग रहा होगा, 0 से 5 के बीच में कुछ लग रहा होगा, सॉरी 0 और 10 के बीच में. तो बेसिकली अब यार यहां पे जो नेट फोर्स लग रहा है, यहां पे जो नेट फोर्स लग रहा है एफ नेट, ठीक है, एफ नेट जो लग रहा है, दिस इज बिटवीन, ध्यान से देखो, दिस इज बिटवीन, बिलोंग्स टू, ऐसे लिख देता हूं, बिटवीन 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, सॉरी, और 10 भी नहीं है, बट इसके बीच में कहीं है, समझ गए मेरी बात, ये इसके बीच में कहीं है, 0 और 10 के बीच में, ये जो कर वाले लगा रखे हैं, इसका मतलब 0 और 10 इज नॉट इंक्लूडेड, इस केस में इसके बीच में कुछ है, बाद में हम पढ़ेंगे ये 5√2 आता है, ये 5√2 आता है ना, बट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना, ये कैसे आता है, क्यों आता है, सब फील करेंगे आज, है ना. अब इसको देखो, एवरीवन लुक एट दिस क्वेश्चन. अब आपको इसमें बस यही बताना है, आपको ये नहीं बताना है नेट फोर्स कितना है, बस आपको मुझे ये बताना है ये फोर्सेस लग रहे हैं अभी 5 न्यूटन 1 न्यूटन 10 न्यूटन 6 न्यूटन. आप बस इतना बताओ कि किस डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, किस डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, कहां जाएगी बॉडी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, कहां जाएगी, पूरा हिसाब किताब करो और आंसर निकालो इसका. तो अब मुझे पता है बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे बोलेंगे ओ ये 1 न्यूटन हटाओ, ये 5-1 न्यूटन कर दो सर इसको, है ना, इस 6 न्यूटन को हटाओ, है ना, 10-6 न्यूटन कर दो, है ना. तो नेट नेट क्या हुआ, बोलोगे सर नेट नेट ना ऊपर कितना फोर्स है, 4 न्यूटन, है ना, 4 न्यूटन. अब आप यार यहां पे बताओ कितना फोर्स है, 10-6, ये हो जाएगा 4 न्यूटन. वेरी गुड, मतलब बॉडी कहां जाएगी, बॉडी यहां जाएगी, ये नॉर्थ होता है, यहां पे ममता दीदी का रीजन है ना, ये ईस्ट, ठीक है, तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, बॉडी कहां जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में जाएगी बॉडी. इज दिस क्लियर एवरीवन, नॉर्थ ईस्ट में जाएगी बॉडी यहां पे, है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि यार दो फोर्स लग रहे हैं तो ऐसे ही जाएगी, है ना, समझ गए मेरी बात. अब चलो थोड़ा और विजुअलाइजेशन करते हैं, थोड़ा और किलर विजुअलाइजेशन करते हैं. अब इसको ध्यान से देखना, अगर आप एक बॉडी पे, बस इतना सा समझो, एक बॉडी पे एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स, इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं यहां पे, तो वो 45 डिग्री पे जाएगा, ऐसे जाएगा 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 जाएगा, ये एग्जैक्टली 45 डिग्री पे जाएगा, क्योंकि इसमें सेम फोर्स लग रहा है ना, सेम फोर्स लग रहा है, 45 डिग्री पे ही जाएगा, फॉर श्योर जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार. बट असली सवाल कब होता, अगर मैं इसको 6 कर देता और इसको 4 कर देता, तो तुम बताते सर 45 पे तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसे एक्यूट एंगल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर अब ये तो सिंपल केस था कि मैंने फोर्स ऐसे लगाया, ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, ध्यान से देखो, है ना, एफ वन और एफ टू, तो अगर एफ वन इज इक्वल टू एफ टू हो जाए, अगर ये दोनों सेम हो जाए, तो ये 45 डिग्री पे जाएगा. तुम बोलोगे सर ये ना, ये 45 डिग्री पे जाएगा, इफ दे आर इक्वल, है ना, कॉमन सेंस है इसमें, मतलब कुछ नहीं है, फिजिक्स, लिव द फिजिक्स. अब देखो ये फोर्स ज्यादा है, यहां का फोर्स ज्यादा है, ब्लू वाला ज्यादा है, तो ये अक्यूट एंगल पे जाएगा, ये ज्यादा फोर्स है, बेसिकली ये ज्यादा फोर्स है, तो ये ऐसे जाएगा, क्लियर है. तो इसको एक्चुअली विजुलाइज करते हैं, एवरीवन प्लीज सी दिस, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, एवरीवन जस्ट होल्ड ऑन, है ना. तो अब तुम ये देखो, अब फॉर एग्जांपल ये डब्बा है ना, एवरीवन कैन सी दिस डब्बा, तो लेट दिस डब्बा लाई हियर. अब अगर मैं इस डब्बे पे नीचे से फोर्स लगाता हूं, एवरीवन प्लीज सी, अगर मैं नीचे से फोर्स लगाता हूं इस डब्बे पे, है ना, ऐसे देखो, खाली नीचे से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये ऊपर जा रहा है ना, ऐसे एक डायरेक्शन में लगाया.
अगर मैं खाली एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो ये ऐसे जाता, ठीक है। बट अगर मैं इस डब्बे पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगाता, ऐसे ऊपर और इस साइड भी, तो ये ऐसे कहीं जाता, है ना। बट अगर मैं ऐसे ज्यादा फोर्स लगाता तो इसका एंगल थोड़ा ऐसा होता, ठीक है। ये चीज फील कर पा रहे हो, ये कर भी सकते हो, ये खुद करना है ना, और खुद करोगे तो आपको खुद को समझ में भी आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ओके, वेरी नाइस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब यार इस केस में जब फोर्स ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला फोर्स ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, और ये वाला फोर्स बहुत छोटा सा है, ये बहुत छोटा सा है, तो बॉडी ना इसके पास ज्यादा जाएगी, इसके पास कम जाएगी, ठीक है, इसके पास ज्यादा जाएगी, इसके पास कम जाएगी, है ना। तो ये बेसिकली ऐसे कहीं जाएगी, है ना, और ये जो एंगल है अल्फा इज लेस देन 45 degrees, है ना। 45 degree तो ये इक्वल वाला था, लेस देन 45 degree होगा, कॉमन सेंस की बात है ना, ये कोई थ्योरी नहीं है, इसको रटना मत बैठ के, बट ये कॉमन सेंस है ना। तुमने यहां पे ज्यादा फोर्स दिया तो ये देखो 26 degree पे जा रही है। अब देखो नेक्स्ट केस, अब तुमने वाई में ज्यादा फोर्स दिया, वाई में ज्यादा फोर्स दिया, देखो इसका फोर्स ज्यादा बड़ा है, ये वेक्टर ज्यादा बड़ा है, ये वाला ब्लू ज्यादा बड़ा है और ये छोटा है, तो ये एक ऑप्टियूस एंगल नहीं, मतलब 45 डिग्री से ज्यादा बड़े एंगल पे जा रही है, ठीक है, उसके पास ज्यादा जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें मैं ये वाला फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं, ठीक है, और ये वाला कम लगा रहा हूं, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, तो ये जाएगा किसके पास, बड़े भाई के पास जाएगा, इसमें ज्यादा दम है, ये यहां कहीं जाएगा। सो नाउ दिस अल्फा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री।